आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, उसमें एक बनाना के चाहिए और दो अंडे, दैट्स इट। खाली टू इंग्रेडिएंट्स। इसको एक साइड पर रखेंगे ना, कि अगर आपको आपके पास ज़्यादा पका हुआ बनाना अगर है तो ज़्यादा अच्छा है, वो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। मैं यहाँ पर इनो फ्रूट सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, हाफ टी स्पून। आप अगर आपके पास बेकिंग पाउडर है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये ग्राइंड किए हुए ऑटमील है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं 1 स्पून डाल रही हूँ, अगर आपको आपका दिल होता है तो आप डालिएगा, बिल्कुल ऑप्शनल है, ठीक है। आप चाहें तो उसके अंदर हनी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अंडा मिक्स करेंगे, मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको फेंट किया था, बहुत 3-4 मिनट उसको मैंने फेंट किया था, तो बहुत अच्छा फेंट हो गया है, ठीक है। आप इसके अंदर चॉकलेट चिप्स जो छोटे आते हैं ना, चॉकलेट के छोटे छोटे पीस, वो भी आप ऐड कर सकते हो, कभी बच्चों को बना के देना है, ठीक है ना। और आप अगर चाहें तो उसके अंदर आप नट्स भी ऐड कर सकते हो, बादाम है, अखरोट है, जो भी आपके फेवरेट आपके नट्स हैं, तो काफ़ी आप इसको इसमें चेंज करके बना सकते हो। बहुत अच्छी रेसिपी, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होती है और ये स्पेशली बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी पीसी हुई दालचीनी भी डाल सकते हो, सिनेमन। हम जो रेगुलर पेनकेक बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा वाटरी होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर अंडे हैं और बनाना भी वो होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो ये थोड़ा सा वाटरी इसका टेक्स्चर होता है, ठीक है। तकरीबन 2 मिनट के लिए साइड पे रखेंगे, फिर इसको बनाएंगे तवे पे। अगर आप इसके अंदर चाहें तो ये वेनिला एसेंस भी यूज़ कर सकते हो, मैंने नहीं किया है, लेकिन इसमें हल्का सा ऑयल लगाएंगे, बिल्कुल ब्रशिंग करेंगे, ठीक है। आपको जो भी साइज़ बनानी हो, छोटे बनाने हो या बड़े, उस हिसाब से आप बनाएं, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत उस शेप से फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल भी आपका एकदम राउंड शेप हो। आप जब बनाएं तो ये बहुत ख्याल रखिएगा कि जल नहीं जाए। इसको 1 मिनट हो गया है, ठीक है, इसको फ्लिप करेंगे। ये देखें, तकरीबन 2 मिनट स्लो आंच पे दूसरी साइड पे पकाएंगे, ठीक है। इसको 1 मिनट हो गई है, तो अभी देखेंगे नीचे, देखो पक गया है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, ठीक है। तभी इसको डिश आउट करेंगे। बाकी भी इस तरीके से बनाते जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि चूल्हे का बहुत ख्याल रखें, अगर चूल्हा तेज होगा तो वो जल जाएंगे, ठीक है ना। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक तो इजी है बनाना, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, दूसरी बात यह है कि बहुत ही हेल्दी है। बनाना और एक दोनों हमारी सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी हैं, स्पेशली बच्चे तो उसको बहुत ही शौक से खाते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो इसके ऊपर शहद भी डाल सकते हो, हनी थोड़ी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, उसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी सब वीडियोज़ आपको मिलती रहें।